यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की सिकंदराबाद और छतारी में मुठभेड़ हुई। सिकंदराबाद के गुलावटी रोड पर कार लूट कर भाग रहे लुटेरों को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि लुटेरे कार चालक को हापुड़ में फेंक कर कार लूट कर भाग रहे थे। 112 नंबर पर आई सूचना के बाद आरोपी लुटेरों को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने लूटी हुई स्विफ्ट डिजायर कार को दिल्ली से बुक की थी। वायरलेस सेट पर मिली सूचना पर सक्रिय हुई सिकंदराबाद पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों में सिकंदराबाद के गुलावटी रोड पर दो लुटेरों की घेराबंदी कर कार समेत गिरफ्तार किया है। कल डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद हापुड़ से कुछ लोग एक कार छीन करके भागे हैं। इस सूचना पर पूरे जनपद में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा वो कार बरामद की गई और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें हापुड़ को सौंप दिया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से घायल दो बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो कार, दो तमंचे, छह कारतूस, दो खोखे और एक लूटी हुई कार समेत दो कार बरामद की हैं। देर रात क्राइम ब्रांच की टीम और छतारी पुलिस नगलिया मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक होंडा सिटी कार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और एक अन्य बदमाश की घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान विशाल निवासी विजयनगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। विशाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने विशाल के साथी अमन को भी गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ छतारी थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें हमारे छतारी थाने की पुलिस थी और साथ में स्वाट टीम थी। इस टीम के द्वारा एक बहुत ही शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। ये ग्रुप गाजियाबाद का है। इनका मुख्य अपराध का जो तरीका है वो दिल्ली या नोएडा से कार छीनते हैं, चोरी करते हैं, इसके बाद उससे चार पांच की संख्या में अलग अलग जनपदों में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और जो भी लोग मिलते हैं, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, सब्जी खरीदने वाले, मंडी में जाने वाले, उनके साथ लूटपाट करके निकल जाते हैं। हमारे जनपद में दो घटनाएं इनके द्वारा की गई थी और 6 तारीख की घटना थी। प्रातःकाल 4:30-5 बजे जब मंडी में सब्जी खरीदने के लिए कुछ छोटे व्यापारी रिक्शा से जा रहे थे, ई रिक्शा से, तो उनको रोक करके मंचा दिखाकर उनसे पैसे छीन लिए गए। दूसरी के क्रम में थोड़ी देर बाद, फिर ही उसके 10 मिनट बाद ही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में इसी तरह की वारदात की गई। ऑटो रिक्शे से कुछ व्यापारी सब्जी खरीदने जा रहे थे, उनके साथ वारदात की गई। हम लोग लगातार इस ग्रुप के पीछे पड़े हुए थे और तमाम तकनीकी माध्यमों का सहारा लेते हुए इनको ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिसूचना थी, उसी आधार पर इस गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में विशाल सन ऑफ मोहन, जो विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ है। दूसरा अपराधी मौके से अमन पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध, विशाल के विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें लूट, डकैती, चोरी, छिनैती, इस तरह की धाराओं के मुकदमे हैं। गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज है। मुख्य इनका जो कार्य क्षेत्र है वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर है। दूसरा अपराधी जो अमन पकड़ा गया है, उसके विरुद्ध 3 मुकदमे हैं। इस गैंग में अभी 4-5 लोग और हैं, उनके संबंध में भी हम जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया है कि घायल बदमाश विशाल शातिर किस्म का अपराधी है। विशाल ने अपने साथियों के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में विशाल फरार चल रहा था। विशाल के खिलाफ जनपद गौतम बुद्ध नगर में लूट, हत्या के प्रयास के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस की माने तो विशाल और अमन के कब्जे से दो तमंचे, 6 कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 1 होंडा सिटी कार बरामद की है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, को ना भूले, कमेंट करें।
और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।